हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस फिजिक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड एज वेल एज ए टोरॉइड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उस के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है और उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, यू कैन आस्क, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन वॉच अगेन। एंड वन मोर थिंग, that is you should visualize the thing whatever in this chapter we are studying. The very first thing is if you can visualize and if you can imagine, then this is one of the easiest chapter, otherwise it is one of the most difficult chapter. So usme kya hai, bahut sare cheeze aapko dekhna chahiye, aapko samajh mein aana chahiye aur aapka jo imagination hai wo aana chahiye, nahi to aap log usme padhne se kya hoga ki aapko concept samajh mein nahi aayega to can't understand it. So let's start today's lecture. So the very first thing is write force on charge particle moving in magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। रिमेम्बर वी आर स्टडिंग अबाउट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब इट्स डायरेक्शन इज इन वन डायरेक्शन एंड इट हैज सेम मैग्नीट्यूड। इफ यू आर कंसीडरिंग एनी पॉइंट इन ए रीजन, मान लो एक रीजन है, कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, इधर ले लो, एवरीवेयर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड सेम डायरेक्शन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हियर इन दिस डायरेक्शन, हियर आल्सो इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, हियर आल्सो इट शुड इन दिस डायरेक्शन, हियर इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस एंड द मैग्नेट्यूड हियर 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 एट एवरी पॉइंट इट हैज सेम मैग्नेट्यूड, देन दैट काइंड ऑफ फील्ड is said to be uniform magnetic field. तो एक region है जहाँ पर magnetic field है, then if you are moving a charged particle, मान लो positive charge भी ले सकते हो, negative charge भी ले सकते हो, तो वहाँ पर जा रहा है तो उसके वजह से कितना force लग रहा है किसके ऊपर, charged particle के ऊपर। मान लो ऊपर एक north pole है, नीचे south pole है, तो उन दोनों के बीच में magnetic field रहेगा। तो if you are removing or if you are leaving one particle in between them with certain velocity, then what will be or amount of force acting on that body or the charge particle. So let's calculate the force on a charge moving in a magnetic field, in magnetic field. So very first thing is that is it was first experienced by Lorentz, one of the famous scientists, Lorentz, L.O. Lorentz. So उन्होंने देखा था experimentally क्या हुआ था। हम लोग एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन चाहे पॉजिट्रॉन कुछ भी ले लो, यू आर रिमूव फ्रीली रिमूव लिविंग दैट पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट ही सॉ और व्हाट ही एक्सपीरियंस दैट द फोर्स, हियर राइटिंग आई एम जस्ट राइटिंग जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू मी, फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऑन द charge particle moving in a magnetic field, with a velocity v, depends on this is experimentally found, the on which factor it depends. One very first thing is the charge of the particle, depends on the charge of the particle
दैट इज क्यू। तो कितना चार्ज है पार्टिकल में, मान लो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना फोर्स है। वन मोर थिंग, सेकेंड आई एम जस्ट राइटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और यू कैन से बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज दैट इज थर्ड आई एम जस्ट राइटिंग कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, जस्ट राइट इन लैंग्वेज कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वी साइन थीटा। सो the force acting on the charged particle depends on the three factors, mainly charge kitna hai, magnetic field kitna hai, and the component, kaun sa component, jo component magnetic field ko perpendicular hai, the component which is perpendicular to the magnetic field, it depends on the that component. So I'll draw the figure so that you can understand, just write it. After writing, I am just drawing the figure so that you can write. मान लो magnetic field जो direction जो है, जो magnetic field था उसका direction मान लो इधर ही है। The direction of magnetic field is along this direction. Then suppose you are leaving a charge particle, positive charge मान लो, एक positive charge आप छोड़ रहे हो with a velocity v, v velocity में छोड़ रही हो with velocity v making an angle theta with magnetic field, velocity उसका velocity कितना है, particle जो है charge q उसका velocity क्या है v, that makes an angle theta, generalization I'm just doing for generalization, depending on the theta the path is decided, next we are going to study about that thing, but first we are deriving for generalization. Suppose it is making an angle theta, theta which one the particle is moving with a velocity v, then force किसके ऊपर depend करता है, charge of the particle q के ऊपर depend करेगा, कितना magnetic field है, and the component per of velocity perpendicular to the magnetic field, velocity का component किसको perpendicular होना चाहिए, magnetic field को perpendicular, then the component will be here, the perpendicular component will be along here, so if it is making an angle theta, if it is making an angle theta, this component will be which one, v sin theta, then the force depends upon this component because this component is perpendicular to v, ab padh chuke ho kisme resolution of vector mein jo theta ke sath hai usko hum log cos component bolte hain aur dusra component kya ho gaya sin theta, to ye ho gaya sin theta, to kiske upar depend karta hai, charge ke upar, ek ho gaya मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और किसके ऊपर, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वी साइन थीटा, जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन कहां पर होगा, यहां पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, सो फिगर ऐसा कुछ दिखेगा, जस्ट ड्रॉ द फिगर, दिस इज, यू कैन से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, so you can imagine like that, force is directly proportional to charge, magnetic field strength, and component of velocity perpendicular to magnetic field, after that just write, combining the three question what you can write, that force is proportional to, I'm just writing force is proportional to, force is proportional to q v g sin theta, q v b sin theta, so I am just writing force equals to, you can write q v b sin theta, so इसको हम लोग लिख सकते हैं, I am just, you can take a proportionality constant k
that proportionality constant we are assuming 1. We are assuming 1. For the definition of magnetic field, you can assume the force, that constant to be 1. I am not writing all these things, so you can write directly this one, F equals to QBV sin theta. So no need to write this one if you are writing, okay. Otherwise, don't be confused that why I am removing that proportionality constant. You can write that proportionality constant, that is K, that is you can take a 1 also. So it is F equals to QBV sin theta. So F equals to, this is magnetic force, that is equals to QV cross B. That is, you know, AB, A cross B equals to AB sin theta. So this force is this one. So force is how much? Q into B cross B. B cross B. Then the direction of force is perpendicular to the plane containing B and B. B and B this plane mein hai, us plane ko perpendicular kaun hai ka force. That you have studied in vector. That the you have studied that A cross B ka direction kaha jata hai? Jis plane mein A and B hai. That is in cross product we have studied that the direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. Similarly, the direction of force is perpendicular to the plane containing B and B. So, ye ho gaya force ka direction and you can see that from this equation. So, this is no need to write all this thing, just remember these two equations. This is may be asked or for questions, for solving questions, these two formulas are important. Just draw the figure and write a mathematical expression. Just you need to just remember this formula. It is very important. That formula is important. So next is how you will find the direction of force. How to find the direction of force, and next we will decide the direction depending upon the angle. कौन से angle से आप particle को छोड़ रहे हो? Positive charge के लिए sin, negative charge के लिए उल्टा हो जाता है. So next one is how to find the direction of force. So the very first thing is, that is Fleming's, how you can decide the direction of force, that is Fleming's, that is very famous scientist Fleming's left hand rule. Left hand rule, write the rule so that you can find the direction of force. Force ka direction, kaun si direction mein force lag raha hai agar ek particle ko मैं कहां पर छोड़ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ रहा हूं, तो उसका डायरेक्शन कहां पर होगा, कौन बताया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल. सो जस्ट टेक स्ट्रेच, 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 स्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर्स, three fingers of your left hand with thumb such that they are perpendicular to, such that they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. This rule is very important while solving also. Many while also after that, whatever we are going to study, very first thing you should understand this rule. So left hand ye ho gaya hamara baaya hath. So the very first finger, 1, 2, 3. फर्स्ट थ्री फिंगर्स विथ थंब को लेके जो तीनों फिंगर है उसको जस्ट स्ट्रेच इट सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. देखो मेरा तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फिंगर एंड दिस फिंगर इज परपेंडिकुलर टू दिस फिंगर, ऑल्सो दिस फिंगर इज परपेंडिकुलर टू दिस फिंगर. जस्ट स्ट्रेच द फिंगर परपेंडिकुलर टू इच अदर. देन आफ्टर दैट जस्ट राइट इफ द four finger is along the direction of magnetic field, along the direction of
मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इफ द फोर फिंगर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंट्रल फिंगर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट along the direction of current along the direction of current comma then the thumb indicates the direction of force This is the rule. Just write it, then I will make you understand. Just pause the screen and write it. So हो गया? देख लो अच्छे से उसको. Then just what does it stitch? Stitch the finger. They are perpendicular to each other. हो गया? ये हो गया four finger. This is the central finger or middle finger you can say. So if the forefinger is along the direction of magnetic field, forefinger कौन सी direction में है? Magnetic field की direction में, and the central finger is along the direction of current. You can say also along the direction of velocity also. If the charge is moving, if positive charge is moving, you can say along the direction. If negative charge is moving, then you can take the opposite direction. So if magnetic field is along this direction and velocity or current is along this direction, then the thumb indicates the direction of force. तो उस रूल को कहीं पर एक पार्टिकल जा रहा है तो आपको पता लगाना है कि फोर्स का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो आप कैसे पता लगाओगे? फर्स्ट द थिंग इज स्ट्रेच दिस टू फिंगर. दिस इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. This is along the direction of current or velocity. Then ये दोनों आप रख लिए तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि force कहाँ पर लगेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. We'll see many situation depending on the direction or the velocity. We can decide along which direction the force will act on the charge particle. अनचार्ज का मैग्नेट्यूड प्लस में है कि माइनस में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो वेरी फास्ट रूल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस इज आई एम जस्ट ड्रॉइंग हियर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई एंड द फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन. तो ये हाथ हो गया, हाथ को आप ड्रॉ भी कर सकते हो. आई एम जस्ट नॉट ड्रॉइंग, जस्ट राइट law. So if you can draw also, if it is your thumb and it is your forefinger, this is your forefinger and this is one more finger, so you can draw also finger. So if this is along the direction of force, this is along the direction of magnetic field, and this is the direction of what? Current or velocity. You can draw the figure. I am just drawing, see my finger. This is the along the direction of magnetic field, this is the direction of current, and this is the direction of force. So thumb aapko kya dega hai? Direction of what? Force. You can find the direction of force by your thumb. The very first thing is you need to draw this two, that is B and I. This is along the direction of magnetic field, this is the direction of current. Then the force will be along the direction of thumb. ये हो गया एक रूल. और एक रूल है राइट हैंड पाम रूल. आई एम नॉट सेइंग सो दैट यू विल कंफ्यूज, जस्ट यूज वन लॉ. इफ यू आर रीडिंग दिस रूल, no need to use right hand palm rule. So there are also one more rule. I am not writing that one. This is right hand palm rule. Right hand palm rule. Palm rule. Same thing. Just right hand में palm लेना है. ऐसे लेना है. This is the direction of magnetic field.
and this is along the direction of current, then this will be the direction of force. Right hand palm will be semi. मान लेते हैं हाथ है, हाथ में just I am not drawing. If it is your right hand and it is along the direction of magnetic field and this is the direction of thumb is along the direction of current, then the force will be along this direction. अब ऐसे भी इसके रूल भी यूज कर सकते हो. There are two rules. One is Fleming's left hand rule. One is right hand palm rule. Both rule will give you the direction of force also. इसमें क्या होता है? ये कौन सी direction में होगा? Magnetic field के direction. And this thumb is along the direction of current. Then this side will be along the direction of force. आप कहीं कुछ भी रूल लगा लो, आपको पता चल जाएगा. So we'll apply the rule to find the direction of force. So how you'll find? I'll save that thing. So before that, write one more thing. That is Lorentz force. Write one more thing. What is Lorentz force? Lorentz force. So Lorentz force क्या है? We'll discuss about Lorentz force. So what is Lorentz force? So मान लो एक पार्टिकल है, if it is moving in a region where both electric field as well as magnetic field are there. मान लो एक region है, आप क्या कर रहे हो? Magnetic field भी दे रहे हो, then also you are at the same time you are applying electric field. मान लो एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. This is positive plate and this is negative plate. And also there are one magnet. Suppose इधर एक magnet है, इधर magnet है. ये north pole हो गया, ये south pole हो गया. And you are releasing one particle. मान लो एक positive charge को आप छोड़ रहे हो उसमें. Then where it will move and what will be the changes of that with velocity v. With velocity v, if you are releasing or leaving that particle. So उसमें जो particle इधर जाए इस field में motion करेगा, उस particle के ऊपर कितना force लगेगा? That was first given by also Lorentz. हम लोग क्या पहले क्या ले रहे थे? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे. अभी क्या ले रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, देन व्हाट इज विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, दैट इज सेड टू बी लॉरेंट्ज फोर्स. सो लॉरेंट्ज फोर्स इज व्हाट? लॉरेंट्ज फोर्स इज दैट इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ electric field as well as magnetic field are present, the force is said to be what force? The net force acting on the charged particle is said to be Lorentz force. So what is Lorentz force? Lorentz force is that if, write down, if a charged particle is moving, if a charged particle is moving in a region where both electric field and magnetic field are present, comma, the net force acting on the particle is called as Lorentz force. तो एक पार्टिकल जा रहा है कौन से रीजन में? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर प्रेजेंट. तो उसमें पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स आएगा? नेट फोर्स इज सेड टू बी व्हिच फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स. एंड इज इक्वल टू एंड इज गिवन बाय और इज इक्वल टू आल्सो यू कैन से बाय द सम ऑफ और इज इक्वल टू, राइट इट बेटर, इट विल बी इज इक्वल टू the sum of both electric force and magnetic force.
तो ये हो गया लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है? एक पार्टिकल कहाँ पर जा रहा है, एक रीजन है जहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स आएगा, दैट फोर्स इज सेड टू बी लॉरेंट्ज़ फोर्स। और वो फोर्स कितना है, बोथ इक्वल टू द सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज एफ लॉरेंट्ज़ फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। कितना एक पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल जा रहा है कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो नेट फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप पता है, एफ इक्वल्स टू यू नो दैट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। तो चार्ज मान लो क्यू है तो फोर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, बिफोर जस्ट दैट वी हैव स्टडीड एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी क्रॉस वी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, जस्ट राइट इट। एफ ई क्या है, यू आर राइट इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फोर्स। और एफ एम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लिख लेना, इसको लिखना पहले उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स को लिखना। तो नेट फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी इसको वैल्यू जो है इधर डाल दो, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉरेंट्ज़ फोर्स विल बी हाउ मच, जस्ट राइट इट, लॉरेंट्ज़ फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स एफ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, क्यू वी क्रॉस ई। तो ये हो गया लॉरेंट्ज फोर्स। दिस इक्वेशन, दिस लॉरेंट्ज फोर्स कैन बी आस्क फॉर 2 marks, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, दे मे बी आस्क फॉर 2 mark इंपॉर्टेंट, दिस इज in many times they have also asked in your examination also, what is Lorentz force? So Lorentz force is that the net force acting on a charged particle moving in electric field as well as which field, magnetic field. So net force kitna hoga, sum of electric force plus magnetic force. So Lorentz force is F equals, write some important notes, just write a note, we have to find the यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन और यूनिट भी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पता लगा सकते हैं। जस्ट मेक ए नोट एंड राइट इट, जस्ट मेक ए नोट, यू नो दैट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू हाउ मच, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो मान लो वेलोसिटी जीरो है, इफ वेलोसिटी इज जीरो दैट मीन्स द पार्टिकल इज एट रेस्ट, देन वहां पर फोर्स कितना होगा, फोर्स इज जीरो, फोर्स विल बी हाउ मच, जीरो। सो अगर एक पार्टिकल है आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ रही हो विथआउट एनी वेलोसिटी, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इक्वल्स टू हाउ मच, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। सो ए स्टैटिक पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको नोट करके अच्छे से लिखना। तो पहला पॉइंट मान लो B, इफ B इक्वल्स टू जीरो देन फोर्स इक्वल्स टू जीरो। B इक्वल्स टू जीरो मीन्स स्टैटिक पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसको लेकर आप कहाँ पर छोड़ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। तो पार्टिकल जहाँ से था वहीं पर रुकेगा, आगे नहीं जाएगा कि पीछे नहीं जाएगा कि ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो इसको एक पॉइंट करके अच्छे से लिखना, स्टैटिक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन प्लेस्ड इन
ए मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पार्टिकल है उसको लेकर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो और उसका वेलोसिटी मान लो जीरो है, तो उस ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो जस्ट द फाइंड द वैल्यू ऑफ बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच एफ क्यू एफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा क्यू डी साइन थीटा। तो आपको इसका क्या लेना है इफ वांट टू फाइंड द डायमेंशन। सो डायमेंशन कितना होगा जस्ट राइट द डायमेंशन ऑफ बी। इधर देख लो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है दैट इज एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय क्यू का पता है ए इंटू टी करंट इंटू टाइम सो ए इंटू टी। वेलोसिटी का क्या है एल वन टी माइनस वन साइन थीटा। एंगल का क्या है कुछ भी नहीं है एंगल डस नॉट हैव एनी डायमेंशन सो इट इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो ये कितना हो जाएगा देखो एम वन एम वन एल देखो वन वन ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये एल कैंसिल हो जाएगा अगेन टी ये टी भी कैंसिल हो जाएगा दिस टी विल कैंसिल आउट। सो इट विल बी हाउ मच एम वन टी माइनस टू ए ये था ऊपर चला जाएगा तो ए माइनस वन। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड। एंड यू नो द व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यूनिट इज टेस्ला। ऑल्सो यू कैन राइट न्यूटन कूलम मीटर सेकेंड इनवर्स यू कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ दैट इज ऑल्सो। सो मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया डायमेंशन एज वेल एज यूनिट। आपको पूछेगा वन टेस्ला इक्वल्स टू हाउ मच। मान लो आपको पूछेगा वन टेस्ला इक्वल्स टू हाउ मच तो वन टेस्ला देन जस्ट मेक क्यू एज वन एंड बी एज वन एंड साइन थीटा एज वन। तो साइन थीटा वन मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। सो इफ थीटा इज 90 डिग्री समटाइम्स इफ समवन आस्क्ड आई एम नॉट गोइंग टू define this one but I am saying if someone asks what do you mean by 1 tesla so you can say if theta is 90 degree and v equals to 1 meter per second and q equals to 1 coulomb then kitna ho jayega b equals to kitna ho jayega f ke barabar ho jayega b equals to how much f if we put theta equals to this is 1 this is 1 this is 1 so f equals to b. So if B you can say 1 tesla, so 1 tesla is the amount of force, you can define, I am not going to, you can write also. 1 tesla is the amount of force experienced by a charge particle of 1 coulomb, experienced by a charge particle of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक पार्टिकल है चार्ज कितना है 1 कूलम है अगर चार्ज को आप 90 डिग्री में छोड़ रहे हो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड में देन जितना फोर्स आएगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे 1 टेस्ला। यू कैन डिफाइन ऑल्सो समवेयर इफ समवन इज आस्किंग यू कैन डिफाइन दैट ऑफ 1 टेस्ला इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ऑफ 1 कूलम moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to a magnetic field. So next one we are going to discuss that how the force also one more thing just make one more note work done by this force. So magnetic force ke kitna work done kar raha hai work kitna ho raha hai magnetic force ke wajah se work done is how much. So work done make another note just write it. तो लॉरेंस फोर्स कितना था नेट फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू इनटू बी क्रॉस जी। तो आपको निकालना है वर्क डन द टी डब्ल्यू इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट डी एल है उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है तो ये हो गया नेट फोर्स एक पार्टिकल
कहां पर जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में आज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में भी जा रहा है। तो आपको सीधे भी लिख सकते हो, इसको आप नहीं ले रहे हो तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो तो इसको भी आप निकाल सकते हो। अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो तो हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कितना वर्क डन हो रहा है। तो एफ डॉट डी एल, तो एफ है मैग्नेटिक फोर्स, कितना हो गया क्यू बी क्रॉस बी, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एल। तो हम लिखेंगे फोर्स के जगह कितना लिखेंगे, क्यू इंटू बी क्रॉस बी डॉट डी एल। बी कितना वेलोसिटी से जा रहा है, सो यू नो बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय डेल टी, बी इक्वल्स टू डी एल बाय डी टी। मान लो डी एल लेंथ से जा रहा है, वेलोसिटी बी है उसका, तो बी इक्वल्स टू डी एल बाय डी टी। तो हम लोग लिखेंगे DL के जगह पर क्या लिखेंगे, V dt। So write here V dt। तो ये हो गया V dt। V dt। तो उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना होगा? देखो V और ये हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स है एंड यू नो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड B। V एंड B जिस प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन दैट इज कंटेनिंग v। v जिस प्लेन में है उस प्लेन को ये फोर्स, ये कहां किसके बराबर है, फोर्स के। आप इसको भी लिख सकते हो फोर्स इनटू v dt fm dt। तो fm क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, v एंड b, बोथ v एंड b। v क्रॉस b मतलब जिस प्लेन में क्या है, भी है वेलोसिटी है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, उस प्लेन को कौन परपेंडिकुलर है, फोर्स। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू भी, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू भी और द प्लेन कंटेनिंग भी क्रॉस भी। तो ये हो गया फोर्स, तो ये फोर्स के बराबर, तो एफ डॉट भी डी टी, तो एफ डॉट डी भी डी टी। तो ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर यू वांट टू टेक डॉट प्रोडक्ट, then that dot product is almost zero, you know that AB cos theta, so AB cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, this if you take this is equals to zero, so delta W कितना है, work done zero है। तो एक पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उसके वजह से work done कितना होगा, zero। remember the work done by a magnetic force is zero, the work done by magnetic force is zero। So just make this is very important for some question, important question, remember the work done by magnetic force is zero, kyunki the force aayega, us force or the velocity both are perpendicular to each other, to dono perpendicular hai, to distance ho jayega, displacement can be written as v dt। So these two vectors are perpendicular, this is one vector that is force v dt, del l ke jagah par hum kya likhe v dt, to dono perpendicular hai, to perpendicular hai to zero ho jayega dot product, to delta of w equals to zero। So the work done by magnetic force is zero। One more thing, you have studied that work energy principle, that is dw equals to चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द स्ट्राइकिंग के ई, फाइनल माइनस के ई इनिशियल। आपको पता है, यू हैव स्टडीड इन 11th दैट द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग इसको लिखोगे तो कैसा आएगा, आई एम जस्ट ड्रॉइंग। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय m, मान लो चार्ज का मास m है, वेलोसिटी v f माइनस 1 बाय 2 m v i इनिशियल। तो ये हो गया वर्क डन, दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के। तो ये जीरो है, वर्क डन कितना है, जीरो है, द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। तो वर्क डन जीरो हो गया तो कितना हो जाएगा, v in v final equals to v initial, that means v remains constant।
तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप छोड़ रही हो कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो जितना वेलोसिटी से आप छोड़ रही हो उतना वेलोसिटी से वो मोशन करेगा। दैट द वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर सेम, दैट इज ही रिमेंस कांस्टेंट बिकॉज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। तो वर्क डन जीरो हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो वी इनिशियल और वी फाइनल बराबर हो गया। सो मेक ए अनदर नोट, दिस इज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर वन मार्क। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो और उसको याद रखो, डेफिनेटली विल गेट वन मार्क क्वेश्चन। सो द वेलोसिटी डज नॉट, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज व्हेन मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द डिरेक्शन, द पाथ, कैसे पाथ में हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन उसका जो डिरेक्शन, डिरेक्शन विल चेंज, द डिरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विल चेंज, द मैग्नीट्यूड, रिमेंबर दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट आइडिया, द मैग्नीट्यूड, जस्ट राइट इट, नॉट द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रिमेंबर डिरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से उसका डिरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लो आप 5 मीटर पर सेकेंड से आप छोड़ रहे हो एक पार्टिकल को कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो मैग्नेट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड ये कॉन्स्टेंट रहेगा, बट द डिरेक्शन, ये मान लो एक्स एक्सिस में जा रहा था तो उसका डिरेक्शन चेंज हो जाएगा, दैट विल नॉट बी आइदर, दैट मे बी अलोंग इन सम अदर डिरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन यू आर लिविंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू सी how the particle moves, how it changes the direction in the next lecture. So for today you just remember that much, that the magnitude, just write it, the magnitude of the velocity remains constant if the particle is moving in a magnetic field, just replace that velocity with magnitude of velocity because uska direction jo hai change ho jayega lekin uska jo magnitude hai jitna tha utna hi rahega if you are leaving a particle in a magnetic field. So thank you dear students for watching, and also share with your friends, many students they also want to study. So thank you for watching.